Now, I will be explaining you how to calculate the cost of equity. Till now, we have discussed about cost of preference shares. I have discussed about cost of debentures. Now, the most important comes is cost of equity. Now, see, what happens is, before explaining you further, you should write two lines. Cost of equity depends on the amount of dividends, the amount of dividends paid by the company over a period of time. Over a period of time, based on dividends, based on dividends, cost of equity can be calculated in the following manner. How? See, अब यहां पर ना अलग अलग मॉडल्स हैं, जैसे वहां पर हमने प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स के केस में किया था, रिडीमेबल इरिडीमेबल. हेयर द केस वुड बी अ क्वाइट डिफरेंट वन. अब कई बार क्या होता है कि कंपनी एक सेम डिविडेंड पे करती रहती है, सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी ग्रोथ, तो उसको हम बोलते हैं जीरो ग्रोथ डिविडेंड. भाई हर साल कंपनी कहती है ₹5 दे देते हैं डिविडेंड, कोई इंक्रीमेंट नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो इसका मतलब एवरी ईयर द कंपनी इज पेइंग सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो ग्रोथ डिविडेंड. तो इसमें कैसे निकलता है, हम के ई इज इक्वल टू डी अपॉन पी जीरो इंटू 100. अब ये जनरली ये डी आप चाहे डी ले लो या डी जीरो लिख लो, एक ही मतलब है. डी जीरो मतलब करंट, ठीक है. तो पी जीरो इज नथिंग बट करंट मार्केट प्राइस, डी जीरो इज करंट डिविडेंड पेड और करंट ईयर डिविडेंड, कुछ भी मान सकते हो इसको. व्हेनेवर देयर इज नो ग्रोथ, हर साल हम ₹3 देते हैं, तीन अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 90 अपॉन 19 टू 100, तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे, ठीक है. इसके अंदर अभी मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, बट बिफोर दैट आई वुड टेल यू द अनदर केस ऑल्सो. कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल, ठीक है. कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट हर साल कंपनी कुछ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ग्रो करती है. मान लीजिए पिछले साल दिया ₹10, कंपनी कहती है अब हम इसको कॉन्स्टेंटली 5% से बढ़ाते रहेंगे एवरी ईयर, नेक्स्ट ईयर हम ₹10 का 5% एडिशनल देंगे, उससे नेक्स्ट ईयर फिर और 5% एक्स्ट्रा देंगे, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल और कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट इन डिविडेंड. तो इसमें कैसे निकलता है, जब ऐसे कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो इसका मतलब ये जी का यूज करेगा, इसका फॉर्मूला होता है डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू 100. Now the point comes to your mind is ये डी जीरो डी वन क्या है. देखिए कौन से मतलब हर साल डिविडेंड का रेट जो है बढ़ता रहेगा एक कॉन्स्टेंट रेट से, तो डी वन हमारा जनरली क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्यूचर में हम पे करेंगे, ठीक है. वहां क्वेश्चन में मेंशन होगा नेक्स्ट ईयर कंपनी प्लान कर रही है, या हो सकता है पिछले साल का आपको दे रखा हो और इस साल कंपनी कहते हैं हम इतना पे करेंगे, तो पिछले साल का जो है वो बन जाएगा डी जीरो, इस साल जो हम पे करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा डिविडेंड. व्हेनेवर यू सी अ फॉरकास्टिंग कि कंपनी विल पे दिस अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट बिकम्स अ डी वन. अब ये निकलता कैसे है, या तो डायरेक्टली की वन होगा, वरना डी वन इज इक्वल टू डी जीरो वन प्लस जी. डी जीरो वन प्लस जी मतलब करंट ईयर डिविडेंड,
और जितना उससे ग्रोथ कर रहा है, वन प्लस जी। ठीक है, रेज टू पावर एन भी होता है, बट वो इतना टेक्निकल हमें करने की जरूरत नहीं है। एन का मतलब हो गया भाई टू ईयर्स थ्री ईयर्स, जनरली वो करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का ही गिवन होता है। इसमें एक और मॉडल होता है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल, बट उसके प्रैक्टिकल हमारे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जो मोस्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा वो इसका मिलेगा, कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब इसमें दूसरी चीज और, ये ग्रोथ मॉडल तो पूछते हैं कि के ही निकालो, बट कई बार आप बुक्स में चेक करोगे वो आपको ये बोलेगा कि प्राइस निकाल के दिखाओ, करंट मार्केट प्राइस। मैं आपको उसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस में सिंपल क्या होगा, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो पी जीरो इज इक्वल टू डी अपॉन के ई इंटू 100। तो एक ही बात हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। ठीक है, देन इस केस में कैसे निकलेगा, अब यहां पर देखिए पहले क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला है हमारा, जी पहले इधर आएगा, तो पी जीरो इज इक्वल टू डी वन के ई माइनस जी इंटू 100। आप करना चाहो कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट हमें जनरली प्राइस के केस में इंटू 100 करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नीचे डिनोमिनेटर में पड़ता है, बट आपको करने की जरूरत पड़े तो आप कर लेना। ठीक है, तो इन दिस केस यू कैन चेक आउट दीज थिंग। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से निकाल सकते हैं प्राइस, बट प्राइस जब आप निकालोगे तो इंटू 100 मत करना, क्योंकि कई बार लगता है कि 100 मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल यही फॉर्मूला है। इस केस में क्या हुआ, ये जी इधर आ गया, जी इधर आ गया, तो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, पी जीरो ऊपर चला गया और के ई माइनस जी नीचे आ गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो ग्रोथ मॉडल है हमारे इन केस ऑफ इक्विटी, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं। बट उस पर ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन है, प्राइस वाला भी, कि कई बार क्वेश्चन के अंदर वो क्या करता है, आपको प्राइस दे देता है, प्राइस इन द सेंस लाइक कि भाई वो कहेगा कि आपको के ई गिवन है, आप करंट मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ, वो भी हम देखेंगे। तो लेट अस डिस्कस वन क्वेश्चन ऑन दिस, आप इसका फॉर्मूला उतार लेना, मैं यही लिख देता हूं इसको रख करके क्वेश्चन को, और यहां फिर आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया वैसे हमारा। द कंपनी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट, आप ऐसे इस लीजिए, द कंपनीज शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट रुपीज 20 रुपीज का चल रहा है अभी मार्केट में शेयर, तो इसका मतलब करंट मार्केट प्राइस आपको गिवन है। ये आपको विजिबल नहीं है तो मैं यहां दोबारा लिख देता हूं। तो सिंपल है, आपने लाइन तो लिख ली, द कंपनीज शेयर इज कोटेड इन द मार्केट, तो करंट मार्केट प्राइस अभी कितना दिया हुआ है आपको, रुपीज 20। लाइन वो पूरी ऐसे थी, द कंपनी शेयर इज कोटेड इन द मार्केट एट रुपीज 20 फुल स्टॉप, इट हैज पेड डिविडेंड ऑफ रुपीज, वन पर शेयर, पे कर दिया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन फॉलोइंग केसेस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन फॉलोइंग केसेस। नंबर वन, ए पार्ट बना लीजिए, फर्स्ट पार्ट उसमें, इफ देयर इज नो ग्रोथ इन डिविडेंड, नंबर टू, द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स, इसका बी पार्ट भी है, वो ए के दो पार्ट हैं, द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ
अ ग्रोथ ऑफ 5% ऐसे लिख लीजिए, ग्रोथ ऑफ 5% एवरी ईयर, हर साल, अ ग्रोथ ऑफ 5% एवरी ईयर। तो ये मैंने आपको बेसिक दे दिया। मैंने इसमें क्या लिखा, ए पार्ट के दो पार्ट मैंने क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, इसका बी पार्ट भी है, वो बाद में लिखेंगे, पहले ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसमें प्राइस को निकालना नहीं है हमें, हमें के ई निकालने के लिए बोल रहा है, तो फॉर्मूले तो हम यही यूज करेंगे ना। करंट मार्केट प्राइस इज 20, तो यू नो सिंपल वेरी वेल, पी जीरो हमें 20 दिया हुआ है, पी जीरो इज द करंट मार्केट प्राइस, अभी आपको बताया था। कंपनी ने अभी डिविडेंड पे किया है 1 रुपी का, तो मैंने बोला था अगर इस साल का एक्सपेक्टेड कहीं लाइन नहीं लिखी हुई कि कंपनी नेक्स्ट ईयर पे करेगी या कैसे है, तो ये कौन सा डिविडेंड हो गया, रुपी वन, दैट इज डी जीरो, डी जीरो पे कर दिया जो, ठीक है, वी हैव पेड। तो सिंपल, नो ग्रोथ मॉडल में कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तो फर्स्ट पार्ट है देयर इज नो ग्रोथ इन डिविडेंड, तो सिंपल हम आंसर निकाल देंगे, के इज इक्वल टू 1/20 × 100। अब यहां पर शेयर का केस है तो टैक्स का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो टैक्स पे करने के बाद देते हैं डिविडेंड वगैरह, तो इसका आंसर आ जाएगा 5% इस केस में, 5%। नाउ सेकंड केस में बोल रहा है, देखिए मैंने D1 लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो अब हमको D1 कैसे निकालना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले से। तो सबसे पहले तो हम सेकंड केस में कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल में क्या निकालेंगे, D1, D0, 1+G, तो D0 वन था, 1+G का मतलब 0.05, 5% है ना, तो 0.05, तो डिविडेंड कितना आ जाएगा 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही वैल्यू बचेगी, तो 1.05 हमारा D1 आ गया, D1 इज 1.05। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, अब सिंपल है, तो D1 इज 1.05 अपॉन P0, P0 20 दिया हुआ है, प्लस ग्रोथ रेट 0.05, यहां पर अलग से है ग्रोथ रेट, इंटू 100, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इंटू 100, ये तो सिंपल है, आप चाहे इसको एलसीएम ले लीजिए पहले, इस पर मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आएगा 10.25%, ये सेकंड केस में आ रहा है हमारा 10.25%, फर्स्ट केस में आ रहा था 5%, यहां पर देखिए 5% तो इसी के बढ़ गए सीधा। तो चाहे इसमें सिंपल तरीका क्या होता है, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही, 1.05 डिवाइड बाय 20 कर दो, उसमें फिर 0.05 ऐड करके इनटू 100 कर देगा, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा 10.25। तो ये था कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल, यहां पर ग्रोथ रेट कितना कॉन्स्टेंट था, दैट इज 5%, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हो गए, इफ देयर इज नो ग्रोथ इन डिविडेंड द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ ऑफ 5% एवरी ईयर। नाउ नाउ इसका बी पार्ट देखिए, इसी क्वेश्चन का मतलब ये उससे से रेलेवेंस लेता है। अब यहां पर इसने सिर्फ एक लाइन चेंज कर दी, इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8% एंड एंटीसिपेटेड मतलब आप फोरकास्ट कर रहे हो, ग्रोथ रेट इज फाइव परसेंट पर एनम, अब यहां देखिए सेकेंड पार्ट में क्या चेंज कर दिया, कैलकुलेट मार्केट प्राइस, कैलकुलेट मार्केट प्राइस इफ डिविडेंड इज टू बी पेड, इफ डिविडेंड इज टू बी पेड
इज टू बी पेड, एट रुपी वन और ऑफ रुपी वन एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब इसके अंदर आप देखिए क्या चेंज कर दिया इन्होंने क्वेश्चन में, इन्होंने क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल देने का मतलब क्या हो गया, ये दे आर टॉकिंग अबाउट के ई, इसको ये के ई मान रहे हैं, जबकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम के ओ मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन इक्विटी का है तो हम यहां पर के ई को कितना लेंगे, फिर इसका मतलब दैट इज 8%, जी इज 5%। अब यहां एक और चीज देखिए, इसने बोला हर साल जो ग्रोथ रेट है वो 5% रहेगा, तो इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल का क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेट मार्केट प्राइस, तो ये आपको बोल रहा है P0 निकाल के दिखाइए मुझे मार्केट प्राइस, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। इफ डिविडेंड इज टू बी पेड ऑफ रुपी वन एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब डिविडेंड हम पे करेंगे ईयर वन के एंड में, कितना, वन रुपी एंड में पे करेंगे, अभी पे किया नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा डिविडेंड की बात कर रहा है, D1 दैट इज रुपीज वन, मतलब जो ये हो गया ये D1 दिया हुआ है हमें, D0 नहीं, इस साल पे करा नहीं है, पे करना है एंड ऑफ द ईयर में, ठीक है, तो ये D1 है, डायरेक्टली ये वन है हमें। तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल में प्राइस का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, P0 इज इक्वल टू D1 KE माइनस G, सिंपल KE माइनस G। तो यहां पर आप देखिए D1 हमें डायरेक्टली कितना गिवन है, 1, KE हमारे को कितना गिवन है 0.08, ग्रोथ रेट कितना गिवन है 0.05। अब यहां पर आप देखिए मैंने 1 प्लस G नहीं किया क्योंकि D1 डायरेक्टली हमें गिवन था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये ऑलरेडी डेसिमल्स में है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो P0 आपका आ जाएगा 33.33, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज हो जाता है तो उस केस में आपका जो आंसर है मार्केट प्राइस कितना आ रहा है, दैट इज 33.33। तो इसलिए मैंने आपको वहां पर पहले भी बताया कि मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेंट ग्रोथ फॉर्मूला, ठीक है। नाउ आई एम डिस्कसिंग वन मोर क्वेश्चन ऑन KE, बिकॉज KE पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत सारी वैरायटी मिल जाएंगी और वो इंपॉर्टेंट भी है, चाहे आप BBA, BCom, MBA कुछ भी कर रहे हो उसके पर्सपेक्टिव से। इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग द फर्स्ट पार्ट, देन आई विल बी राइटिंग द सेकेंड पार्ट। तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन विद मी ओनली। तो सी क्वेश्चन इज लाइक दिस, इक्विटी शेयर्स, आप लिख लीजिए क्वेश्चन, इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड इज करंटली प्राइज्ड एट ₹60, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ओके, ₹60 फुल स्टॉप, डिविडेंड एक्सपेक्टेड at the end of one year from now is ₹6 cost of equity is 18%, this is given to us। तो क्वेश्चन में बोल रहा है what is the expected growth rate, first part यहीं तक है। Now you can see that everything is given to us, equity shares of P limited is currently priced at ₹60, तो इसका मतलब P0 हमें 60 दिया हुआ है,
डिविडेंड देखिए यहां पर आ गया एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ वन ईयर फ्रॉम नाउ, आज से एक साल के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये डी वन गिवन है हमें, दैट इज रुपीज 6। के ई इज गिवन टू अस रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं 18%। देखिए ये वाला पार्ट तो सिंपल है क्योंकि हमें पता है डायरेक्टली हमें फॉर्मूला पता है के ई इज इक्वल टू डी वन अपॉन पी जीरो प्लस जी इंटू 100, तो वो आपको पता ही है। तो मैं अब यहां पर देखिए इसको क्या करता हूं, इसको 18 लिखा इक्वल्स टू, अब ये परसेंटेज अगर आप इसको परसेंटेज में ही मान रहे हो तो यहां पर फिर आपको 100 लगाने की जरूरत है, बट फॉर्मूले में ऑरिजिनल ही था पर लेकिन मैंने यहां परसेंटेज में डाल दिया। डी वन इज 6, पी जीरो इज 60 प्लस जी, तो ये कट गया 1/10, तो अब क्या होगा ये इधर आ जाएगा, तो जी इज इक्वल टू 18 1/10, अब आपको परसेंटेज में ही ग्रोथ रेट तो इंटू 100, एलसीएम ले लीजिए आप इसका, ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा यू कैन कैलकुलेट, बट ये इसमें थोड़ी ये गलती आप कर सकते हैं, ये ऑलरेडी 18 हमने परसेंटेज में लिखा हुआ है तो परसेंटेज में हमें ये सिर्फ वैल्यू कन्वर्ट करनी पड़ेगी, दिस वैल्यू, क्योंकि ये परसेंटेज में ऑलरेडी है, तो 18 माइनस 10, तो इसका मतलब आपका जो ग्रोथ रेट हो गया वो कितना परसेंट हो गया 8%। आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू दिस पॉइंट, लेट्स से के ई मैंने 18 लिया, डी वन इज 6/60 प्लस जी, अब ये 18% है, या तो आप इसको 0.18 लिखो, लेट्स से मैं इसको 0.18 लिख देता हूं और ये आ गया 1/10 कट के, तो जी निकालना है तो जी कैसे आएगा 0.18 माइनस 1/10, तो आप ऐसा कर सकते हो 0.18, अब इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 0.10, तो आपका आंसर आएगा 0.08, लेकिन आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 करना पड़ेगा, तो आपको कितना मिल जाएगा 8%, तो बात एक ही है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पॉइंट, अब इसका बी पॉइंट देखिए आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर पेपर टेक्निकल होता है तो, ये कहता है व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इफ ग्रोथ रेट इज रिड्यूस्ड टू 5%। अब 5% हो सकता है एडवर्स मार्केट कंडीशंस हो गए या कुछ, तो ग्रोथ रेट आपका 8% आया था लेकिन वो कहता है 5% हो गया। अब ये दिखने में तो बड़ा सिंपल है कि भाई मार्केट प्राइस निकालना, बाकी सारी कंडीशंस ऊपर वाली हैं। आई एग्री, ऊपर से आप क्या चीज कॉमन ले सकते हो, के ई हमें दे रखा है 18%, तो वो 18% है, हमारे को ऊपर वाले पार्ट में डी वन 18.6 दिया हुआ था, लेकिन आप एक चीज ये बताइए हमने पिछले वाले पार्ट में डी वन को 6 लिया था, लेकिन आपके फर्स्ट पार्ट में जो आंसर आया था वो ग्रोथ रेट 8% था, तो इसका मतलब इस डी वन में ग्रोथ रेट कितना इंक्लूड होगा, क्योंकि डी वन कैसे निकलता है डी 0 1 प्लस जी, तो इसका मतलब अगर आपका ये 6 हुआ तो इसका मतलब यहां पर जो ग्रोथ रेट था वो कितना था 0.08, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में 6 दे रखा था, लेकिन अब ग्रोथ रेट कितना हो गया 5%, तो इसका मतलब हमारा ये डी वन तो हम ले नहीं सकते, हमें चेंज करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम इसमें नया डी जीरो निकालेंगे, तो डी जीरो कैसे आएगा 6/1.08, ये यहां के डिवाइड हो गया, इसका मतलब जो करंट डिविडेंड था वो कितना आ रहा होगा दैट इज 5.55, इतना आएगा आपका। क्यों हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि मुझे अब ग्रोथ रेट जो डी वन मेरा आना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू 5% आना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमें डी वन 6 दिया हुआ था लेकिन वहां पर ग्रोथ रेट हमारा कितना आया था 8%, तो उसका इफेक्ट निकालने के लिए पहले मैं ओरिजिनल डी जीरो निकालूंगा। अब इस केस में मेरा जो ग्रोथ रेट है वो 5% है, तो इसमें मैं अब क्या करूंगा अपना नया डी वन निकालूंगा, न्यू डी वन, वाई बिकॉज आई विल बी कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ 5%, डी जीरो मेरा सेम रहेगा 5.55 1 प्लस 0.08, सॉरी
08 तो फर्स्ट में था, 05 तो आपका नया आएगा। तो इस केस में आपका आएगा, मैं बता देता हूं आपको, 5.833 इस तरीके से आपका आएगा। क्योंकि ये जो ग्रोथ रेट D1 दिया हुआ था 6, ये हमारे को ग्रोथ रेट 8% के हिसाब से, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने निकाला तो D1 6 लेने पे हमारा ग्रोथ रेट 8 आ रहा था, लेकिन सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि ग्रोथ रेट 5% हो गया। तो मैं कहता हूं इस केस में तो मुझे न्यू D1 निकालना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 5%, बट उसके लिए मुझे D0 चाहिए, तो D0 मैंने यहां से निकाल लिया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है नॉर्मली, P0 इज इक्वल टू D1 KE माइनस G, मार्केट प्राइस पूछा था, तो 5.833, KE हमारा सेम है 0.18 माइनस 0.05, नया 0.05 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 44.87। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ रहा है, एक D1 जो 8% के हिसाब से दिया हुआ था उसको हमें कन्वर्ट करके 5% में कन्वर्ट करना है, तब हमें बताना है कि उसका मार्केट प्राइस कितना होगा। अभी आप देखिए फर्स्ट पार्ट में आपका जो डिविडेंड था वो 6 था, तो आपका जो मार्केट प्राइस आ रहा था 60 आ रहा था, P0 दे रखा है, लेकिन जैसे ही आपका ग्रोथ रेट कम हुआ 5% पे, आपका D1 की वैल्यू भी कम हो गई 5.833, और आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी 60 से घटकर कितनी आ गई, 44.87। तो ये दो क्वेश्चंस थे KE पर। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल लेवल पे बहुत आता है, व्हेनेवर द क्वेश्चन कम्स फॉर 5 to 6 मार्क्स।